दोस्तों आजकल सिविल स्कोर हमारे लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा हो चुका है। जब भी हम किसी भी तरह का लोन लेते हैं या फिर ईएमआई पर कुछ परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अच्छा सिविल स्कोर होता है तो हमें आसानी से लोन मिल जाता है या फिर ईएमआई पर कोई सामान परचेज कर पाते हैं। सिविल स्कोर अच्छा ना होने की वजह से हमारा लोन रिजेक्ट होता है या फिर ईएमआई पर कुछ परचेज करने जाते हैं तो वो भी हमें नहीं मिल पाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा सिविल स्कोर अगर किसी भी कारणवश डाउन हो गया है, एकदम खराब हो गया है, तो उसे कैसे इंप्रूव करेंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सिविल स्कोर के बारे में जान लेते हैं। सिविल स्कोर एक तरह का स्कोर होता है जो कि हमारे द्वारा बैंकों के साथ लेन देन करने और टाइम पर पेमेंट करने या ना करने के आधार पर स्कोर घटता या बढ़ता है। ये जो सिविल स्कोर होता है इसका रेंज 300 से 900 के बीच होता है और ये भी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। नंबर वन होता है पुअर, नंबर टू होता है गुड यानी कि फेयर, और नंबर थ्री होता है बेस्ट। 300 से 550 के बीच के रेटिंग को पुअर माना जाता है, 550 से 700 के बीच के रेटिंग को गुड यानी कि फेयर माना जाता है, और 700 प्लस रेटिंग को बेस्ट माना जाता है। जिसका रेटिंग 700 प्लस होता है उसे आसानी से लोन या फिर ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन जिसका रेटिंग 300 से 550 के बीच होता है उसे लोन मिलने में या फिर ईएमआई पर कोई भी सामान मिलने में बहुत परेशानी होती है। अब चलिए देखते हैं सिविल स्कोर इंप्रूव करने के 5 ऐसे तरीके जिसे अगर आप अपनाते हैं तो यकीनन आपका सिविल स्कोर बढ़िया हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। नंबर वन है ड्यू पेमेंट। अगर आपका किसी भी तरह का प्रीवियस लोन है, क्रेडिट कार्ड का ड्यू है और वो सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको उस ड्यूज को पहले क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने सिविल रिपोर्ट को नीट एंड क्लीन नहीं करेंगे तब तक आपको लोन मिलने में आसानी नहीं होगी, आपको ईएमआई पर किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट मिलने में आसानी नहीं होगी। तो किसी भी तरह का ड्यू अगर सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करता है तो पहले उस ड्यू को आप क्लियर करेंगे ताकि आपके सिविल स्कोर से आपका वो ड्यू अमाउंट रिमूव हो जाए। नंबर टू, पे ऑन टाइम। अगर आप किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अगर आप ईएमआई पर कुछ सामान परचेज कर चुके हैं या फिर आपके ऊपर कोई पर्सनल लोन है और उसका ईएमआई चल रहा है तो आप उन सब का पेमेंट ईएमआई आप टाइम पर पेमेंट करें या टाइम से पहले पे कर दें। टाइम पर या टाइम से पहले पेमेंट करते रहेंगे तो आपका सिविल स्कोर टाइम टू टाइम इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि एक भी पेमेंट आप डिले ना करें, एक भी पेमेंट को आप डिफॉल्ट ना करें, क्योंकि पेमेंट डिले करने या फिर डिफॉल्ट करने के केस में आपके सिविल स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ता है और आपका सिविल रिपोर्ट पर भी निगेटिव मार्क दिखाता है। तो आप जब भी किसी भी तरह का ईएमआई चाहे किसी भी चीज का हो ऑन टाइम या टाइम से पहले पे करें। नंबर थ्री, लिमिट क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ये खास करके क्रेडिट कार्ड पर अप्लाई होता है। मान लीजिए कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड पर 45,000 रुपए का लिमिट मिला है तो आप यूटिलाइजेशन का एक लिमिट सेट करें कि हम 15,000 से 20,000 तक ही एक्सपेंस करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, वो भी इमरजेंसी केस में। इससे यह होगा कि आप यूटिलाइज कम करेंगे तो आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा और अगर डिफॉल्ट के केस बनते हैं तो वो भी केस ना बनने के बराबर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि आप अपने यूटिलाइजेशन का एक लिमिट सेट करें कि हम 30 से 35% तक टोटल अमाउंट का खर्च करेंगे। नंबर फोर, चूज लॉन्गर टेन्योर। इसके दो फायदे हैं। नंबर वन कि आपको हर ईएमआई में अमाउंट कम पे करने पड़ेंगे, और नंबर टू कि आपके सिविल स्कोर बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूव होगा। आप इसे ऐसे समझिए कि आपने एक स्मार्टफोन 24,000 रुपए में परचेज किया और उसे आपने 12 ईएमआई में बंधवा दिया तो आपको हर महीने 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम इसी अमाउंट को 3 ईएमआई करवा देते हैं तो हमें 6,000 रुपए हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा अमाउंट होगा और टेन्योर कम होगा तो बर्डन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो लंबा टेन्योर करने का फायदा आपको सीधा सीधा सिविल स्कोर में देखने को मिलेगा। हाँ, लंबे टेन्योर में आपको थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन आपका सिविल स्कोर
तेजी से इंप्रूव भी होता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो इस केस में किसी भी तरह का ईएमआई पर परचेज करें तो उसे लंबे टेन्योर के लिए परचेज करें, यह आपके सिविल स्कोर बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। आखिरी और नंबर 5, गोल्ड लोन, यानी कि लोन अगेंस्ट गोल्ड। तो गोल्ड लोन आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्प करता है, बशर्ते आपके पास लोन लेने के लिए गोल्ड होना चाहिए, जेवर जेवरात होने चाहिए। अगर आपके पास है तो आप गोल्ड लोन लेकर के अपने सिविल स्कोर को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन आप लेंगे उसका ईएमआई होगा और आप गोल्ड लोन को हर बार क्लियर करेंगे तो वो आपका टाइम टू टाइम पेमेंट और गोल्ड लोन को टाइम टू टाइम क्लियर करना आपके सिविल रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, जो कहीं ना कहीं आपके सिविल स्कोर को भी इंप्रूव करता है। तो इन 5 तरीकों को अपना करके आप अपने पुअर सिविल स्कोर को बेस्ट में बदल सकते हैं, और एक बार अगर आपका सिविल स्कोर बेस्ट में बदल गया तो फिर आपको लोन ऐसे फटाफट मिलता है, आपको ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है, जो कि आप कई लोगों के साथ देखते होंगे कि हर एक चीज को ईएमआई पर परचेज कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, यहां तक कि मोबाइल फोन परचेज करने के लिए उसका ईएमआई बंधवा लेते हैं। लेकिन चूंकि हमारा सिविल स्कोर पुअर है या फिर सिविल स्कोर बहुत ही डाउन है, बहुत ही खराब है, इसलिए हमें ना तो लोन मिलता है और ना ही हमें ईएमआई पे कोई सामान मिलता है। तो देख लीजिए, अगर आप इन तरीकों को अपना सकते हैं तो इन 5 तरीकों को अपना करके अपना सिविल स्कोर को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।